नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह का वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? इसका सही उत्तर है नवादा। क्वेश्चन नंबर टू, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट में। क्वेश्चन नंबर थ्री, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर फोर, विध्यान चट्टाने समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है सोन घाटी। क्वेश्चन नंबर फाइव, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। क्वेश्चन नंबर सिक्स, समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही उत्तर है 90 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन, मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है? इसका सही उत्तर है सितंबर नवंबर। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है पुन पुन। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? इसका सही उत्तर है पाकुड़। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? इसका सही उत्तर है रांची। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? इसका सही उत्तर है पाकुड़। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है 56.21%। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? इसका सही उत्तर है पाँच। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह वीडियो हम लाते रहें।